यदि मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है और फ्यूचर में कौन बने रहेगा, तो आपके दिमाग में एक व्यक्ति का फोटो आ रहा होगा। यदि मैं आपसे फिर से पूछूं कि इस दुनिया का सबसे स्मार्ट और सबसे जीनियस व्यक्ति कौन है, तो आपके दिमाग में फिर से वही फोटो आ रहा होगा। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, वो पहले काफी गरीब हुआ करता था। उनके माँ बाप में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। इतनी मुश्किलें फेस करने के बाद भी वो आज इस दुनिया का सबसे जीनियस व्यक्ति है। लेकिन उस जीनियस बनने के पीछे कुछ ना कुछ तो राज छुपा हुआ है, जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलॉन मस्क के इंटेलिजेंस के पीछे क्या राज है। इलॉन मस्क इतना जीनियस व्यक्ति क्यों है? ऐसी कौन कौन सी हैबिट, ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं जो इलॉन मस्क को एक जीनियस व्यक्ति बनाता है? जो सबसे पहला हैबिट मुझे लगता है कि इलॉन मस्क जीनियस होने के पीछे का एक सीक्रेट है, वो है उसकी क्यूरियोसिटी। इलॉन मस्क जो है वो हर चीज के बारे में क्यूरियस रहता है हमेशा। यदि वो किसी से बात कर रहा होता है किसी बारे में, तो उसमें भी वो क्यूरियोसिटी दिखाता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ जानने, कुछ सीखने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। उसका उम्र ये डिसाइड नहीं करता कि उसे क्या पढ़ना चाहिए या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपने अधिकतर लोगों को कहते सुना होगा कि भाई तेरी उम्र निकल गई है, तुझे अब पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, भाई तुझे ये सब चीजें स्कूल में पढ़नी चाहिए थी और तू अब पढ़ रहा है। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं ना, वो व्यक्ति हमेशा अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। इलॉन मस्क जैसे व्यक्ति जो है वो हमेशा ही क्यूरियस रहते हैं। एक बार वो किसी रिपोर्टर से बात करते करते ही अपने एक रॉकेट का एक सॉल्यूशन निकाल लिया। जैसे कि स्पेस में यदि कोई रॉकेट जाता है तो उन्हें मुड़ने के लिए जेट्स का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब वो किसी रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जो हम जेट के लिए इस्तेमाल करते हैं ना ऑक्सीजन, उसकी जगह हम क्यों ना नॉर्मल गैस को ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अंत में स्पेस में तो बस थ्रस्ट की ही आवश्यकता है। तो यदि व्यक्ति इतना क्यूरियस हो तो सॉल्यूशन तो निकल ही जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपने आप को इस दुनिया के प्रति क्यूरियस रखो, कुछ सीखने की अपने अंदर इच्छा रखो। यदि आपके पास जितनी भी चीजें हैं उसके प्रति सीखने के लिए आपका दिमाग उत्सुक है, तो आप एक क्यूरियस पर्सन हो। और जो व्यक्ति क्यूरियस पर्सन नहीं होता है, उसकी लाइफ काफी बोरिंग हो जाती है, क्योंकि वो अपने दिमाग को बंद कर लेता है। ना उसके दिमाग में कुछ जानने की इच्छा होती है, ना कुछ सीखने की इच्छा होती है। तो यदि आपको इलॉन मस्क की तरह इंटेलिजेंट और जीनियस बनना है, तो सबसे पहली जो एबिलिटी है अपने अंदर डालो, वो है क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की इच्छा। यदि आपको इलॉन मस्क के प्रति इंटेलिजेंट और जीनियस बनना है, तो दूसरा पॉइंट है कि ये सीखो कि कैसे सीखते हैं, लर्न हाउ टू लर्न। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि कुछ सीखने के लिए कैसे हम सीखते हैं वो भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि सीखते कैसे हैं ये भी एक प्रकार की कला है। अब जैसे कि इलॉन मस्क को कई फील्ड की नॉलेज है, जैसे कि फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, रॉकेट साइंस और इवन बिजनेस। तो सोचो कि इतने सारे चीजों का नॉलेज एक व्यक्ति के पास कैसे हो सकता है। जो इलॉन मस्क जैसे इंसान होते हैं वो मल्टीपल फील्ड में एक्सप्लोर करते रहते हैं, क्योंकि एक्सप्लोर करने से उन्हें कई सारी आइडियाज मिलते हैं जो अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इलॉन मस्क तो अपना बिजनेस चलाता है, ऐसी आइडियाज को वो अपने बिजनेस में ही डाल देता है और उससे नई नई इनोवेशंस के लिए काफी हेल्प मिलती है। तो जितने फील्ड को आप एक्सप्लोर करोगे ना, कैसे किसी चीज को सीखते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो धीरे धीरे ग्रो होने लग जाएगा। यदि आपको इलॉन मस्क की तरह जीनियस और इंटेलिजेंट बनना है, तो तीसरा पॉइंट है अपने काम पे फोकस करो। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में हम लोग ऐसे बन चुके हैं कि हम अपने फोकस को 2 मिनट के लिए भी रोक नहीं पाते हैं। हम 2 मिनट के लिए खाली बैठे हैं तो अपना मोबाइल निकाल लेते हैं और उसमें से सोशल मीडिया चलाने लग जाते हैं। इंस्टाग्राम पे रील देखना, अपना टाइम वेस्ट करना, इसी चीज में हम अपना फोकस भी गवा देते हैं। कोई भी काम करने के लिए फोकस बहुत ही मैटर करता है। किसी भी चीज के अंदर पैटर्न्स, यूनिकनेस या उसकी मॉडिफिकेशन करनी है, तो आपको एक हाईली फोकस बनना होगा। जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसके अंदर ये एबिलिटी तो होती ही है कि वो अपने काम पे इतने फोकस हो जाते हैं कि आसपास की दुनिया में जो भी हो रहा हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि आप इलॉन मस्क की तरह इंटेलिजेंट और जीनियस बनना चाहते हो, तो चौथा पॉइंट ये है कि थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। जैसे कि इलॉन मस्क के आइडियाज हैं कि स्पेस के अंदर कॉलोनी बनानी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करना है पूरे वर्ल्ड को, तो ये प्रकार की जो थिंकिंग है ये काफी बड़ी थिंकिंग है। लेकिन
उन्होंने इस चीज को स्टार्ट करने के लिए काफी स्मॉल से स्टार्ट किया है। जैसे एलन मस्क ने पहले अपना रीयूजेबल रॉकेट बनाया ताकि वो अपने आप को प्रूफ कर पाए कि वो स्पेस में कॉलोनी बना सकता है। अभी जो उसके फ्यूचर के मिशन है, जो मंगल ग्रह पे जाना है, तो सोचो कितनी बड़ी थिंकिंग हो सकती है। इतने बड़े बड़े ड्रीम को अचीव करने के लिए एलन मस्क हमेशा छोटे स्टेप्स लेते हैं, ताकि ये छोटे छोटे स्टेप मिलकर ही अंत में एक बड़ा स्टेप का काम करेंगे। तो यदि आपकी सोच भी काफी बड़ी है तो एक अच्छी बात है, आप ज्यादा प्रोकेस्टिनेशन मत हो, अपने चीज को स्मॉल से स्टार्ट करो। पांचवी ऐसी चीज जो एलन मस्क को एलन मस्क बनाता है वो है रीडिंग। एलन मस्क जो है वो काफी सारी बुक्स पढ़ते हैं, वो इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं। सबसे मेजर जो उनका काम है, जैसे कि स्पेस एक्स का काम है, उन्होंने जो रॉकेट साइंस सीखी है वो भी बुक से ही सीखी है। वो कहीं किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली, उन्होंने बस बुक को पढ़ के ही अपना इतना बड़ी कंपनी बना ली है। वो इतने बड़े रॉकेट साइंटिस्ट भी बन चुके हैं कि वो अपने रॉकेट इंजीनियर्स को गाइड करते हैं कि इसकी जगह हम ऐसा करते हैं, इसकी जगह हम ऐसा करते हैं। एलन मस्क की एक खासियत है कि वो हर फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस हो, फिलॉसफी हो, टेक्नोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो। इसीलिए ये एक सीक्रेट वेपन है जो एलन मस्क को एलन मस्क बनाता है। सो स्टार्ट रीडिंग बुक, क्योंकि यही एलन मस्क का एक मेजर सीक्रेट है। छठा पॉइंट है जो आपको एलन मस्क बनने में हेल्प करेगा, वो है रिस्क लेने से कभी मत डरो। इंटेलिजेंस सिर्फ थ्योरी नहीं है कि बस हमने अपने मन में सोच लिया और कोई काम नहीं किया। एलन मस्क जो है काफी प्रैक्टिकल जिंदगी जीते हैं, इसीलिए उन्होंने स्पेस एक्स जैसी कंपनी इतने स्ट्रगल के बाद भी खड़ी कर रखी है। तो यदि आप स्मार्ट हैं तो रिस्क लेना जरूर सीखें, क्योंकि यदि यही आपकी उम्र है रिस्क लेने की तो ले लो, वरना जब आपकी उम्र निकल जाएगी तो आप पछताओगे। तो दोस्तों, ये थे एलन मस्क के कुछ क्वालिटीज एंड हैबिट जो आपको इंटेलिजेंट और जीनियस बना सकता है। तो यदि आप एलन मस्क की तरह जीनियस और इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो इस टिप्स को जरूर फॉलो करो, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ ऐसी ही वीडियो के साथ। मैं हूँ नितिन, तब तक के लिए धन्यवाद।